परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीपति वंदना। वंदे वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिने, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम प्रणाम। बंधुओं और बहनों, पर्युषण पर्व की आराधना का बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है और इसी क्रम में आज जो हमारा कार्यक्रम है, जप दिवस, जप मंत्रों का जप कितना महत्वपूर्ण होता है, जप के बारे में हम बात करेंगे। जप की जप कैसे करना चाहिए, क्या क्या उसमें विशेषता सावधानियां रखनी चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें भी हम चर्चा करेंगे और छोटा सा प्रयोग भी करेंगे और साथ में भगवान महावीर की साधना का क्रम चल रहा है। भगवान महावीर से हमें संपर्क करना है तो उनका कंटैक्ट नंबर क्या है, हम सबको इंतजार है उस नंबर को जानने का, तो प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। हम ऋषि मंत्र के जो हमारा क्रम चल रहा है इसमें है, हम जान रहे हैं कि भगवान महावीर से संपर्क हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में, और आज हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो आज अलका जी शायद नंबर बताने वाली है, कोड बताने वाली है, सबको इंतजार है उस कोड का जानने का। और कल जो कहानी अलका जी ने बताई थी, बहुत ही शानदार कहानी, अधूरी रह गई थी, वो कहानी भी आज हम पूरी सुनेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप नौकार मंत्र के साथ आज का सेशन प्रारंभ करें और आज के हमारे जप का प्रयोग करवाने वाली हमारी जो तो प्रशिक्षिका है माधुरी जी लुणिया, वो भी जुड़ चुकी है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अलका जी आपसे निवेदन, आप आगे का क्रम कंटिन्यू करें, ओवर टू यू। जय जिनेंद्र, सबको पर्युषण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोज एक नया दिवस पर्युषण का और एक नई जानकारी, एक-एक विषय को हम जान रहे हैं। बहुत सुंदर वाणी संयम, या फिर आज हम जाप को जानेंगे, अणुव्रत चेतना दिवस जाना, और सबसे इंटरेस्टिंग चल रहा है और आपको उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, भगवान महावीर का कोड नंबर और फोन नंबर। फोन नंबर मिलने से कुछ नहीं होगा, क्यों? कि भगवान महावीर बहुत दूर है, लोकल फोन नहीं चलेगा, उसको कोड नंबर लगाना पड़ेगा। जब तक तो कोड नहीं लगाएंगे तो फोन लगेगा नहीं ना। आप इस यहाँ से अमेरिका फोन लगाओगे ऐसे ही तो लगेगा नहीं फोन, तो उसके लिए हमें व्हाट्सएप पे जाके फोन लगाना पड़ता है। तो हर एक का अपना सिस्टम है ना, तो वैसे आज जानेंगे अपन कि भगवान महावीर का कोड नंबर क्या है और फोन नंबर क्या है। चलिए उसके पूर्व नौकार मंत्र से कार्यक्रम की शुरुआत करते। सभी सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, कोशिश करे अपने वीडियो ऑन करे, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप जुड़े हैं सुन रहे हैं तो भी आपका सहर्ष स्वागत, हाथ नमस्कार स्थिति में है, आनंद केंद्र के पास, हृदय के पास स्थापित, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पैर के अंगूठे से देखे सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल छोड़ देना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, छोड़ दो। प्रत्येक
प्रत्येक अवयव के कण कण पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दे और अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी प्रतिमा की भांति स्थिर और अडोल। कोशिश करे कोई विचार मन में नहीं, मैं और मेरी श्वास। श्वास को देखते देखते गहरी एकाग्रता पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ नौकार मंत्र का संगान करेंगे। ओ रे नमो अरिहंता नमो। ओ रे नमो सीता ओ रे नमो आया किया ओ प्रेम नमो छाया ओ रे नमो लोए सा हो ए सो पंच नमकारो सब पा मंगला चुसवे पढ़म अवै मंगलम पढ़म अवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं पवचा रहन्ते शरणं पवचा साहू शरणं पवचा केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवचा केवली पन्नतं धम्मं शरणं। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवर। आज मैंने शरणम पवज्जामि का जाप करवाया, उसके साथ साथ जोड़ा नौकार मंत्र। क्यों? क्योंकि इसका संबंध है महावीर के कोड और फोन नंबर से, इसीलिए मैंने इसको इसके साथ जोड़ा है। कहानी आगे चली है, हमने जाना कहानी मृगवती की है। मृगवती कौन है? कल मैंने बताया था
और कोई जानता है मृगवती के बारे में? कौन थी मृगवती? मैंने कल दो बातें तो बताई, मृगवती कौन थी? दो बातें बताई, कौन सी दो बातें बताई? यस सुचिता बताएगी पहले, दो बातें मृगवती कौन है उसके बारे में? रानी रानी थी, पर महावीर, महावीर की मौसी बहन, मौसी की लड़की थी, मामेरी बहन थी, मामेरी मामेरी, बहन, मामेरी भगवान महावीर की मामेरी बहन थी, बहन वो कल नहीं बताया था मैंने, ये आप थी। बता रही नई इन्फॉर्मेशन। तो हाँ मृगवती भगवान महावीर की मामेरी बहन थी, और बोलिए और क्या जानते बहुत हैं? सुंदर थी देखने में, कि पूरे उसमें बिल्कुल। वो बहुत सुंदर थी। और कौन, किसके रिलेशन में, और क्या बताया था मैंने, और कुछ बताया था, एक और मिनट, कोई बता सकता है तो सोचिए तब तक। अर्चना जी भी थे, कल सरिता जी भी थे, बाकी भी जो है वीडियो ऑन करेंगे तो पता चलेगा, सुशील भैया है, सुप्रिया जी, कविता, तो और क्या बताया था मृगवती। चलिए जितना बता सकते सुचिता जी बता दीजिए। नहीं, चित्रकार ने उनका चित्र निकाला, राजा को अपने भूत। को वो नहीं देखना है, कहानी नहीं देखनी है, सुप्रिया जी खुद बता रही, उनके संबंध किससे किससे, रिलेशंस क्या है, ये कौन थी, बस इतना ही, कहानी पर नहीं जाना है। ये सुप्रिया जी आप कुछ बताना चाहती है, आपका हाथ हैंड रेज है, अनम्यूट कर देती हूँ मैं आपको, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। ये सुप्रिया, वो शिलवती थी, शीलवती थी वो बहुत। लीलावती थी, वो तो है ही, वो 16 सतियों में से एक आती है मृगवती। अच्छा चलिए अभी अच्छा समय ना वेस्ट हो जाए, क्योंकि 7 बजे हमें माइक देना है, उसके पहले पहले कोड नंबर जानना है। तो मृगवती वैशाली नरेश चेटक की पुत्री थी, वैशाली नरेश चेटक की पुत्री थी, महावीर की मामेरी बहन थी, राजा शतानिक की ये पत्नी थी, और सबसे बड़ी बात कल मैंने जो बताई थी पर आपको याद नहीं आई, चंदन बाला के साथ प्रथम दीक्षित हुई उनकी संसारी मौसी थी, चंदन बाला, हाँ चंदन हाँ बाला की प्रथम दीक्षित उनकी संसारी मौसी थी, जिनका नाम मृगवती था, जिसके सौंदर्य की चर्चा उस समय सब दुनिया में हुई थी, बहुत सुंदर थी, और फिर उसके राज, एक बार 2 मिनट में उसका, जैसे माधुरी जी आज जुड़े तो उनको भी पता चले, तो शॉर्ट में 2 मिनट में मैं बता देती, कि सौंदर्यवान थी, कि राजा उसको पर्दे में ही रखता था, बाहर नहीं आने देता था, परंतु एक चित्रकारी का प्रदर्शन हो गया और उसको मन होके मुझे देखना है, चित्रकार सारे चित्र देखने हैं, तब तो राजा ने एक ऐसा विशिष्ट पर्दा बनवाया कि जिस पर्दे से अंदर से बाहर देख सकते हैं, पर बाहर का कोई अंदर न देख सकता है। आजकल हमारे यहाँ ऐसे बारिया को, एक खिड़कियों को भी पर्दे लगा बनाते हैं कि बाहर का नहीं दिखता पर अपने को बाहर, तो वैसे वो पर्दा लगा लगा के पूरा चित्रकारी देख रही थी, परंतु उसका एक अंगूठा बाहर रह गया था, दिख रहा था, और उस अंगूठे से वो चित्रकार इतना ज्ञानी था, इतना स्मार्ट था, इतना होशियार था, उसको एक विद्या थी कि अंगूठा देखकर वो पूरे व्यक्ति का चित्र बनाता था, तो उसने मृगवती का पूरा चित्र बनाया, राजा को गुस्सा आया कि इसने रानी को देखा, उसने फांसी की सजा सुनाई, राजा को बहुत गुस्सा आया था, परंतु जाके चित्रकार ने समझाया कि नहीं, मैंने देखा नहीं है पर मेरे में ये कला है, तो उसने बहुत सारे लोगों के अंगूठे देख के चित्र बनाए, तब राजा को विश्वास हुआ, उसने उसको पुरस्कार देकर सम्मानित कर दिया, परंतु चित्रकार के दिमाग में गुस्सा बैठ गया कि मुझे ऐसी सजा क्यों सुझाई, तो उसने उसका सुंदर चित्र बना के राजा का, जो बहुत बड़ा शत्रु था, बहुत बड़ा, जो बलवान भी था, ऐसे शत्रु के पास, चंड के पास वो चित्र भेजा और बोला कि यह आपकी रानी होनी चाहिए, तो वही काम वासना चढ़ गई और चंड ने आदेश दिया तुरंत कि राजा मृगवती को मेरे हवाले कर देना, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाना। वो इतना बड़ा था कि वो 5 मिनट में राजा को हरा सकता था, राजा तो ऐसे देने वाला था नहीं, युद्ध हो गया, राजा हार गया, इवन हारा ही नहीं तो राजा की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के समय भी वो बहुत दुखी था,
कि मैं रानी की रक्षा नहीं कर सका, राज्य की रक्षा नहीं कर सका, परंतु मृगवती ने बोला कोई चिंता मत करो। वो बोला नहीं, अभी वो चंड आएगा, तुम्हें ले जाएगा पूरा राज्य, कुछ नहीं होगा। कितना कॉन्फिडेंस, कितना विश्वास, क्योंकि उसने कहा भगवान महावीर मेरे साथ है, भगवान महावीर मेरे साथ है तो कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार उसने आगे जो किया वो सब मैं नहीं बताऊंगी। तो ये जो महावीर की धर्म नीति और इसकी राजनीति, उनका टकराव कैसे होता है, और आखिर आखिर चंड कैसे बदल जाता है, चंड की आंखें झुक जाती है, हाथ में से शस्त्र गिर जाते, वो कल मैंने पूरी कहानी सुनाई। अब इस प्रकार दोनों भी, उसने कहा कि आप घबराओ मत चंड, आ जाओ मेरे साथ। और वो मृगवती ने भगवान महावीर से फोन से संपर्क किया था, कोड नंबर से संपर्क किया था, और भगवान महावीर उसकी हेल्प करने आ रहे थे। कैसे संपर्क किया था अब वो जानना है। 2000 किलोमीटर की यात्रा करके भगवान महावीर आए हैं, और मृगवती सफेद हाथी पे सफेद वस्त्र पहनकर पूरे बाल खुले हुए तैसे जा रही है। और फिर राजा को लगा, चंड को लगा, नहीं 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 ये नारी नहीं है, ये शक्ति है, ये महादेवी है, ये महामाता है, ये जगत माता है। तो वो वंदित होता है, तो वो चंड को लेके, चंड को बोलती दूसरे हाथी पे बैठ जाओ भगवान महावीर के समो शरण में। अब दोनों भगवान महावीर के समो शरण में पहुंचे हैं। यहाँ तक कहानी आई है, दोनों के दोनों महा वहां पहुंच गए हैं। और दोनों के दोनों पहुंचने के बाद मृगवती कहती कि मुझे दीक्षा लेनी, मुझे दीक्षा लेनी है। अभी मृगवती को दीक्षा लेनी है, तो मृगवती का एक पुत्र था, मृगवती का एक पुत्र था। प्रश्न ये होता है कि वो पुत्र को किसको सौंपाए, और जब दीक्षा लेनी होती है तो परमिशन भी लेनी पड़ती है ना, किसी की परमिशन भी साथ में चाहिए होते। हमारे में होता है ना कि भाई हमें दीक्षा लेनी है तो मेरे पिताजी साथ है, मेरे पति साथ है, तो कोई ना कोई साथ देगा। तो वहां पहुंची महारानी मृगवती, कहती कि मुझे दीक्षा की आज्ञा जरूरी है। तो मैं कहती हूँ कि परम पिता चंड, चंड कौन है, परम पिता चंड, परम पिता चंड मेरे पुत्र उदयन का आजीवन पालन पोषण करके जिम्मेदारी लेंगे और मुझे आज्ञा देंगे। देखो उसने रिलेशन बना के भगवान महावीर को कहा, परम पिता चंड पुत्र उदयन के आजीवन की पालन पोषण की जिम्मेदारी लेके आज मुझे आज्ञा देगा और मैं दीक्षित हूंगा। देखिए श्वेत वस्त्र पहने अपना प्रभाव उसने चंड पर डाल दिया, और चंड मृगवती को लेने आया था, उसके दिल में मृगवती की छवि बैठी हुई थी। अब वो निकल गई है, भगवान महावीर को देख के चंड के हृदय में भी महावीर की प्रतिष्ठा हो गई है, चंड के हृदय में भी महावीर की प्रतिष्ठा हो गई है। उसने भगवान महावीर को निवेदन किया, चंड ने भगवान महावीर को निवेदन किया कि मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। वो बोलता है, भगवान महावीर मुझे बताओ, मैं मृगवती को लेने गया था, मैं मृगवती को जीतना चाहता था, ये बताओ मृगवती मुझे कैसे जीती, मृगवती मुझे कैसे जीती। आज तक इतिहास देखो, पुरुष ने नारी को जीता है, पुरुष ने नारी को जीता है, लेकिन सृष्टि की शायद ये पहली नारी हो कि पुरुष पर इस तरह विजय पाई। मैं न शस्त्र उठा सका, मैं उसने ना युद्ध किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैं उसके चरणों में झुक गया। क्यों भगवान महावीर ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान महावीर ने कहा, इसका कारण मृगवती ने मेरी शरण स्वीकार कर ली। शरणम पवज्जम गच्छामि, शरणम शरणम पवज्जामि, इसके मंत्र के द्वारा, ये मंत्र, ये है मंत्र और कोड नंबर, ये दो है, कोड नंबर है और एक नमो अरिहंतानम। 3 दिन वो बैठी, कहाँ बैठी, ध्यान के रूम में बैठी, बिना निर्जल 3 दिन उसने ध्यान किया और
कोड नंबर लगाकर फोन नंबर लगाया, नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम। और जब कोई भक्त भगवान के साथ सही टेलीफोन नंबर से बात करता है तो भक्त ही भगवान बन जाता है, भक्त ही भगवान बन जाता है। मृगवती में महावीर की शक्ति आई, इसलिए चंड हार गया। और जैनाला जी में देखो, भक्त भी भगवान तो बनता है। दूसरी बात, मृगवती ने सफेद वस्त्र पहने थे, सफेद वस्त्र पहने थे, और ये सफेद वस्त्र इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार शादी में पहनते हैं वो लाल वस्त्र होते, और इसके लिए कहते कि सब सफेद वस्त्र प्रभाव डालने के लिए, सामने वालों पर प्रभाव डालने के लिए पहने जाते हैं, और लाल वस्त्र प्रभाव में आने के लिए पहने जाते हैं। ससुराल जाने वाले उनके प्रभाव में आने के लिए वो कर जाते हैं। तो महावीर ने चंड को सफेद वस्त्रों का कितना बल है ये बताया, और बताया कि आपको अगर फोन नंबर करना है तो कोड नंबर बिना आपका फोन नंबर नहीं हो सकता। तो पहला कोड सबसे है शरणम पवचा, टेलीफोन नंबर तो है अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम। परंतु कभी कभी क्या होता है, टेलीफोन नंबर लगाते लगता ही नहीं, रॉन्ग नंबर आता है, कभी कभी रॉन्ग नंबर आ जाता है, कभी कभी फोन लगाते तो आवाज जोड़ता है, कौन बात कर रहा है, लगता है कोई गलती आवाज आ गई तो अपन रख देते, कट हो जाता है, पता नहीं कितनी कितनी बातें फोन पर हो जाती है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हमने फोन जोड़ा है अरिहंत को, हमने फोन जोड़ा है अरिहंत को। अरिहंत कौन है? वो सब कुछ जानते हैं, वो बात करते हैं तो वो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। आपका पूरा चिट्ठा, अच्छा चिट्ठा बुरा चिट्ठा उसके पास होता है, और वो देखकर वो आपसे बात करता है। फोन जोड़ा अरिहंत के साथ, बात करनी है अरिहंत के साथ, परंतु दिमाग आपका हट गया कि अरिहंत भगवान आएगी कि नहीं, फोन लगेगा कि नहीं, बस दिमाग में ये उल्टे सुलटे विचार आ गए, माला फेरने लगे, नमो अरिहंता नमो सिद्धानम नमो अरिहंत, बस बस दुकान में जाना है, जल्दी जल्दी माला फेरे, नमो नमो, आधा मन इधर आधा तब भगवान सब पहचान जाते कि दुकान दिमाग में फैक्ट्री है कि दुकान है। इसीलिए बताना बताना है कि भगवान महावीर का फोन नंबर नमो अरिहंतानम है। और उसके लिए एक उदाहरण दिया है कि एक पुस्तक निकली है, बोले बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण दिखा है डॉक्टर दिव्य प्रभा जी ने, मुझे भी पता नहीं है, ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने कहा ये पुस्तक है, ये गुजरात से निकली हुई है, देखना माधुरी जी आपको मिले तो बोले कि एक पुस्तक निकली है, उस पुस्तक का नाम है द सीक्रेट ऑफ प्लांट्स, सीक्रेट ऑफ प्लांट्स लिखा है उन्होंने, और उस किताब का नाम है सीक्रेट ऑफ प्लांट। गुजरात के बहुत अच्छे विचारक, उनका नाम है वसंत लाल, वसंत लाल, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए इस बात पर, प्रयोग सारे किए, और उन्होंने ऐसा सिद्ध कर दिया कि हम घर बैठे 30 किलोमीटर तक हमारे पेड़ पौधे जो होते उनसे हम बात कर सकते। मैं यहाँ बैठी हूँ 30 किलोमीटर दूर, मेरा मतलब ऑफिस में बैठी, और मेरे घर में गुलाब का फूल है, तो मैं यहाँ बैठ के गुलाब के फूल के साथ संवाद कर सकती हूँ। ये खोज हो गई है वो, उसका मैंने बोला कि इसका सीक्रेट जो है वो है समुद्घात, समुद्घात सिद्धांत है, उससे ये सब होता है। और समुद्घात समझने के लिए अभी समय नहीं है, उसके लिए हम एक और क्लास लेंगे। तो ये समुद्घात से होते कि जो व्यक्ति जो सोचता है, जो बोलता है, जो मन में लाता है, उसका प्रभाव पूरे सृष्टि पर होता है। तो इस प्रकार भगवान महावीर ने बताया कि ये फोन नंबर है, तो आपको आज फोन नंबर मिल गया है। मृगवती ने कहा है कि उनके पास कोड नंबर है, वो कोड नंबर है शरणम पवज्जा, ये महावीर का कोड नंबर है। जब तक पूरा समर्पण नहीं होगा फोन नंबर नहीं लगेगा, भक्ति होनी चाहिए, पूरा श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण हो चाहिए, और फिर भगवान का टेलीफोन नंबर है नमो अरिहंतानम। तो आप सफेद वस्त्र पहनिए, ध्यान में लीन हो जाइए, और फिर आपको भगवान महावीर का संपर्क होगा। तो कल हम थोड़ा सा जानेंगे कि
शरणम पवज्जामे के बारे में, थोड़ा कोड नंबर के बारे में जानने की कल कोशिश करेंगे कि कोड नंबर के बारे में कैसे ये शरणम पवज्जामे काम करता है, ये मांगलिक कैसे 5 बार बोला जाता है, 4 शरण कैसे स्वीकारी जाती है। एक मांगलिक होता है वो 5 बार बोला जाता है, और शरण होती है वो 4 बार बोली जाती है। आज मैंने बोला 4 बार, तो वो कैसी होती है वो हम कल जानेंगे। हमारा समय हो रहा है एग्जैक्टली, हम रोज 7 बजे आए हुए वक्ता को अपने विशेष विषय के लिए 20 मिनट का समय देते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी है माधुरी जी। माधुरी आपके लिए कोई नई नहीं, वो तो हमारे एमपी के परिवार में से एक है। सबसे बड़ी बात यह है कि माधुरी को अनेक बीमारियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी, सारी प्रॉब्लम्स थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी कि उसको लगा नहीं था कि वो उससे बाहर आ सकती है कभी। शायद डॉक्टर भी यही कहते थे, घर वाले भी, परंतु उसने योगा उसके जीवन में आया। देखो, जिसके योग अच्छे होते हैं उसके ही जीवन में योग आता है, वरना वो योग नहीं करता। मैं हमें कई बार उदाहरण देती हूँ कि नासिक के मेरे सर कहते हैं कि इतनी बड़ी योगा इंस्टीट्यूट बनाई है, अभी 25 एकड़ जगह लिए, फॉरेन से पूरी लाइन लगी है, परंतु बाजू के बंगले वाले नहीं आ रहे। तो जिसका योग होता है वही तो। माधुरी का योग बहुत ही सुंदर था कि लकीली उसको कैसे योग मिला। जो जब वो क्लास में ज्वाइन हो गई, मुझे याद है माधुरी, हमने पहले बात की थी तो आपने बताया था कि वो क्लास में लेके नहीं, आपको ये भी शंका उसको हो रही थी क्योंकि वो आसन भी नहीं कर पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, तो वो कैसे आसन करेगी। और आज वो आसन के एक्सपर्ट बनकर लेक्चर दे रही है, मोटिवेशनल लेक्चर दे रही है और क्लासेस ले रही है। कैसे हुआ ये सब, कैसे हुआ ये सब? तो जो उन्होंने अपने फिजिकल हेल्थ बेनिफिट के लिए केवल योगा के तरफ बढ़ी, और पूरा माइंडफुलनेस से उन्होंने स्किल्ड जाय स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ा है कि माइंडफुलनेस पूरी वो इसमें इन्वॉल्व हो गई। माइंडफुलनेस पर मैंने एक बार बात भी की थी। तो ऐसे ये माधुरी जी है, वैसे तो कॉमर्स की बैचलर है, परंतु उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में से एमए जीवन विज्ञान तो किया ही है, और उसके बाद अहमदाबाद से उसने एक कोर्स किया है योगा टीचर का। वैसे रेकी की लेवल 1 भी है, प्राणिक हीलिंग की लेवल 1 भी है, और ये वॉलंटरी बहुत जगह ट्रेनिंग देती है, और हमारे एमपीके में भी एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में और काम करती है। बहुत सुंदर तरीके से वो योग सिखाती है, बताती है। आज वो हमें जाप के बारे में बताने वाली है। तो जाप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह कोड नंबर मिला है और भगवान महावीर का नंबर मिला है, बिल्कुल वैसे ही जाप की भी एक विधि होती है। अगर वो विधिवत नहीं करेंगे, साइंटिफिकली वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तो केवल नमो अरिहंता नमो नमो तिथा नमो 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 पूरा वाक्य भी नहीं होगा और माला फिरती जाएगी, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम मंत्र का रिजल्ट चाहते हैं तो आइए माधुरी जी से जुड़ते हैं, जिसका नाम ही माधुरी है। माधुरी है स्वभाव में, माधुरी है बोलने में, चेहरे पे स्माइल आ गई है, देखो कितनी सुंदर स्माइल है इनकी। तो आइए एक बार स्वागत करते हैं, सुस्वागतम माधुरी, सुस्वागतम, वेलकम एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र, आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि जाप कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसके बेनिफिट, और थोड़ा प्रयोग हो तो करेंगे, और लास्ट में लोगों को थोड़े क्वेश्चन आंसर के लिए भी आप समय देगी। इसी भाव के साथ माइक हैंड ओवर टू माधुरी जी। सभी को जय जिनेन्द्र, और इस पर्युषण पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी के अभी जो पर्युषण पर्व की वजह से हम बहुत उत्साहित हैं, पूरा दिन हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए है। आज ये करना है, कल ये करना है, पूरे दिन की हमारी अभी प्लानिंग चल रही है। और मैं तो चाहती हूँ कि ये पर्युषण हमारा सिर्फ 8 दिन का ना हो, कि हमारे पूरे पूरा जीवन हमारा पर्युषण बन जाए, जिसमें हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखें और उसे अपने जीवन में लेकर आए। जैसे कि आज मेरा विषय है जप के बारे में बात करना, और जप क्यों करना चाहिए, वो हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है, और उसको हम रेगुलर बेसिस पर या उसको भाव के साथ करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। जब भी हम कोई चीज को खुद के ऊपर अनुभव नहीं करते, तब तक हम उस बारे में बोल नहीं सकते हैं। तो ये मेरा अनुभव है, और बहुत लेट अनुभव हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सालों से इसके अंदर हूँ, लेकिन जब इसका अनुभव हुआ तो शायद इस बारे में मैं बहुत अच्छे से आपसे बात कर पाऊंगी, कनेक्ट कर पाऊंगी। तो जब क्या है, जब कोई भी वर्ड होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि ओम ध्वनि
ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनि थी ओम। ठीक है, ओम एक बीज मंत्र है जो सर्वशक्तिमान है। अगर हमें कुछ भी नहीं आता है, ओम जब हम करते हैं और उसमें हम लीन हो जाते हैं, ओम वर्ड और मंत्रों के साथ जुड़ने के बाद में उसकी शक्ति दुगुना तिगुनी हो जाती है। ओम वर्ड अपने आप में ही बहुत मंत्रित है। जैन धर्म में बहुत सारे मंत्र हैं, इतने मंत्र हैं कि अगर शायद हम एक-एक मंत्र को भी अगर सिद्ध करने चाहें तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, पर मंत्र खत्म नहीं होंगे। जैन धर्म में है और भी मंत्र जो है, गायत्री मंत्र है और बहुत सारे मंत्र है। धर्मों में हर धर्म का अलग अलग मंत्र है, जिसे जो अच्छा लगता है आपके मन को भा जाता है, आप उस मंत्र को जप करते हैं। तो जब मतलब रिपीटेशन, आप किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं वो मंत्रित हो जाता है। जैसे हम सेल्फ टॉक करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन को भी बार बार बोलते हैं, तो मैं तो उसे भी मंत्र मानती हूँ कि उसे बार बार आप बोलते हैं और वो सिद्ध हो जाता है। जप करने के लिए शब्द चाहिए, संकल्प चाहिए और आपकी साधना चाहिए। आपके पास में वर्ड है, आपको क्या मंत्र बोलना है, उसके बाद में आपकी संकल्प शक्ति की, उसके अंदर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं इस मंत्र को जप करूंगी और इससे मुझे डेफिनेटली फायदा मिलेगा। शायद 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, लेकिन आपकी संकल्प शक्ति बहुत दृढ़ होनी चाहिए। शब्द है, संकल्प शक्ति है, लेकिन अगर हमारी साधना रेगुलर नहीं है, अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते हैं तो हम उसकी सिद्धि को नहीं पा सकते। तो जप है, आपके पास शब्द है, संकल्प है और साधना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जप किस तरह से किए जाते हैं। एक जप हम करते हैं बहुत ही बड़े उच्चारण के साथ में, बहुत ऊंची आवाज में हम जप कर सकते हैं। ग्रुप में जप किया जाता है। एक होता है मन के अंदर जप को करना, एक होता है उपाशु जप करना, जिससे सिर्फ आपके होंठ हिल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज बाहर नहीं आ रही है, मानसिक जप होता है। तो इस तरह से जप बहुत तरह से कर सकते हैं। आप किस में कंफर्टेबल हैं, किस तरह से जप करने से आप अपने भीतर जा रहे हैं, वो हमें खुद को अनुभव करना है। अब जप जो हम करते हैं वो घटित कब होता है, जब हम बस कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि जप करने हैं, करते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है। जप करने से कोई भी मंत्र आप लेते हैं उसका बहुत सारी ध्वनियां, जो आप एक ध्वनि बोलते हैं वो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। हर एक मंत्र की, हर एक वर्ड की अपनी एक ऑरा होती है, तरंग होती है, वो हमें पता है। जैसे जैसे हम मंत्र को कॉन्स्टेंटली करते जाते हैं तो हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग होता जाता है। जब ये मंत्र घटित होता है तो शारीरिक हम में क्या बदलाव आती है, जैसे आप बहुत मिनट हो गया, सपोज आपने 5 मिनट कोई मंत्र का जप किया और जब आप उसमें लीन होने लगते हैं तो आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, आपका कंठ बिल्कुल गदगद हो जाएगा, वाणी भारी हो जाती है हमारी, हमारे शरीर में एक अलग तरह की वाइब्रेशन, यानी एक तरह का अलग तरह का रोमांच हमें फील होता है। वो कुछ सेकंड का होता है पर हम उसे अनुभव कर सकते हैं। दूसरा होता है भावनात्मक तौर पे हम क्या फील करते हैं। जब करने से हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, हमारा एक कनेक्शन खुद के साथ बनने लगता है धीरे धीरे। जैसे जैसे आप मंत्र ज्यादा करने लगते हैं, उसमें लीन होने लगते हैं, एक कनेक्शन आपका और ब्रह्मांड का बनना शुरू हो जाता है, एक वाइब्रेशन आप ऑटोमेटिकली फील करने लग जाते हैं। थर्ड होता है कि हमारे न्यूरॉन्स, जैसे जैसे हम मंत्र जप करते हैं हमारे न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होने लग जाता है, हमारा जो मन विचलित होता है, जब शुरू में बैठते हैं मन विचलित होता है, मंत्र जप करने मन नहीं लगता है, शायद 2 मिनट 3 मिनट नहीं लगता, पर उसे कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करते करते ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका मन शांत हो गया है। जैसे कि मैंने कहा, संकल्प शक्ति और हमारी साधना, शब्द है, संकल्प होना चाहिए और उसके बाद साधना। उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरी सिद्धि क्या होगी। जब हम जप मंत्र करते हैं तो दूसरी सिद्धि क्या होती है, आपके मन में अलग सी प्रसन्नता होगी, ना कोई राग होगा, ना कोई द्वेष, ना कोई हर्ष और ना ही कोई शोक। आप मन में इतना प्रसन्न फील करेंगे जिसकी कोई वजह आपको नहीं पता है, पर आप अच्छा फील करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सिद्धि होती है कि हमारी चित्त में संतुष्टि मिलती है। एक होता है हमें कोई वस्तु मिली और हमें संतोष मिलता है, वो शायद कुछ सेकंड या कुछ घंटों का होता है, लेकिन इससे जो संतोष मिलता है वो एक अलग तरह की तृप्ति फील होती है कि नहीं, मैं परिपूर्ण हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और लास्ट वन जो मैं बात करना चाहूंगी कि जप करते समय जो बाहर से हम जप कर रहे हैं, जब वो हमारे तेजस शरीर पे प्रभाव डालने लगता है तो वो प्राणमय हो जाता है, यानी आप जप करते करते आप प्राण विलीन हो जाते हैं, आपके प्राण ऊर्जा और आपका मंत्र एक रस हो जाता है, तब वो आपके तेजस शरीर पे अंदर प्रभाव डालने लगता है।
और वो ये जो मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ये अनुभव है, खुद के अनुभव है, किसी के कहने से या सुनने से वो हमें फील नहीं हो सकता है, उसका हमें अनुभव करना होता है, हमें इस पे कार्य करना पड़ता है। तो जब करने के फायदे हम सभी जानते हैं कि शारीरिक, भावनात्मक और हमें मानसिक तौर पे बहुत अच्छा फील होता है, हमारा स्वभाव परिवर्तन होता है क्योंकि इसमें हम दीर्घ श्वास लेते हैं तो हमारा स्वभाव भी परिवर्तन होता है, हमें अनंत शक्ति का विकास होता है, हमारी बाहर एक ऐसी ऑरा बन जाती है कि कोई नेगेटिव थॉट भी हम अगर हमें आता भी है या कोई नेगेटिव चीज हम हमारे पास भी आती है तो वो ऑटोमेटिकली हमसे दूर हो जाती है, हमारा इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम उस चीज से दूर होने लग जाते हैं। जप करने की विधि जैसे अलका जी ने बताया बहुत सारा कि कोड वर्ड हम सबके पास है क्योंकि इतना सारा हमारे ऋषि मुनि और गुरुओं ने हमें कुछ इतना कुछ दिया है, कोड वर्ड हमारे पास बहुत सारे हैं, बस वो कनेक्शन करने की हमको दे रही है कि वो कनेक्शन कैसे बनाए। तो आज हम मंत्र जप करेंगे तो मैं सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करूंगी, ऐसा नहीं कि हम कहीं विशुद्ध चक्र पे ध्यान लगाएं ये लगाएं, बिल्कुल हम बेसिक चीजों की बातें करेंगे कि हम एक मंत्र लेंगे ओम नमो अभय ध्यानम। सबसे पहले हम जब कोई भी मंत्र लेते हैं तो हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए, विदाउट मीनिंग सिर्फ बोलते रहने से हम जब मीनिंग नहीं समझ पाते ना तो हमें लगता है सिर्फ बोल रहे हैं और कुछ पता नहीं चलता। आपको वर्ड का मीनिंग पता है, आप सबसे पहले उस मीनिंग के साथ अपने आप का कनेक्शन बना पाते हैं। आज हम जो लेंगे मंत्र ओम नमो अभय दयानम, यानी मुझे अभय दान मिले, अभय दयानम हम सभी जानते हैं, और अभय दान किसे नहीं चाहिए, छोटे से छोटे जीव को भी अभय दान चाहिए तो हमें तो सबसे पहले वो दान चाहिए। तो जब हम इस मंत्र को जप करेंगे सबसे पहला तरीका है कि हम इस मंत्र को बंद आंखों से अपने सामने देखें। अब एक एक वर्ड को जब आप बोल रहे हैं जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं उतना अच्छे से आप उस मंत्र को देखने की कोशिश करें। सपोज आपकी इमेजिनेशन इतना अच्छा नहीं है तो ब्रीथ पर फोकस करिए, लंबी सांस लें, कुछ सेकेंड के लिए रुके और सांस छोड़े, लेकिन आपका मंत्र जब चलता रहे चाहे वो मानसिक या वाचिक जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। तीसरा होता है कि आप जो मंत्र जप कर रहे हैं आपको वर्ड भी समझ नहीं आ रहा है, आपको ब्रीथ पर भी फोकस नहीं हो रहा है, तो सिर्फ अपने यहाँ पे अपने ललाट पर या सिर्फ अपने आप को जैसे आप आईने के सामने देख रहे हैं सिर्फ अपने आप को देखते जाए। सबसे बेसिक ये तीनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आज उसका प्रैक्टिस करें कि आपको कैसे लगता है। मंत्र को शुरू करने से पहले आपका इस मंत्र को करने का रीजन क्या है कि मुझे अभय दान दे, प्रभु मुझे इतना निर्भय बनाए कि मुझे किसी भी वस्तु प्राणी या किसी के वैभव से या किसी के पद से मुझे किसी से भी डर ना लगे, सिर्फ एक ईश्वर से डर लगे और किसी से नहीं, ये भी हम मांगेंगे। और हम लास्ट में जब खत्म करेंगे तो ये भी कहेंगे कि मैं इस सृष्टि के 84 लाख जीवियों ने को अभय दान दे रही हूँ क्योंकि हम जितना देते हैं उससे 4 गुना हमारे पास आता है, तो अभय दान हम देंगे भी और अभय दान हम लेंगे भी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मंत्र के साथ में, सबसे पहले कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हथेलियां अपनी थाइस पर, आपका रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, दो तीन लंबी और गहरी सांस लें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें, लंबी और गहरी सांस लें, फिर से एक बार लंबी और गहरी सांस लें, हम न ओम नमो अभय दयानम का जप करेंगे। आप सभी को उसके वर्ड्स पता होंगे, ओम नमो अभय दयानम। सबसे पहले अपनी आंखों के सामने से उस वर्ड को ऑब्जर्व करें कि आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। 5 मिनट हम इसका जप करेंगे, आप जोर से बोल के कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, कंफर्टेबल है इस मंत्र का जप करेंगे और मन में श्रद्धा रखेंगे कि इस मंत्र जप की सिद्धि हो रही है। शुरू करेंगे, ओम नमो अभय दयानम, ओम नमो अभय दयानम, ओम नमो अभय दयानम, ओम नमो अभय दयानम, ओम नमो
अभयदयानम्, ओम नमो अभयदयानम्, ओम नमो अभयदयानम्, ओम नमो अभयदयानम्, ओम नमो दयानम्, ओम नमो अभयदयानम्, 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 ओम नमो
दयानंद, ओम नमो अभय दयानंद। मंत्र का जप करते जाएंगे, अपनी आंखों के सामने उस मंत्र को देखते जाएं। मन में भाव रखें कि मुझे भय से मुक्ति मिल रही है, अभय का भाव मजबूत हो रहा है। मंत्र का जप करते जाएं और मन में भाव रखते जाएं कि अभय का भाव मजबूत हो रहा है। अगर मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों से मुझे भय लगता है तो उनका भी नाश हो रहा है। भय से मेरी शक्ति का विनाश होता है, इसलिए मैं सभी को अभय दान दूं और मैं भी निर्भय बनूं, मुझे भी अभय का वरदान मिले, ऐसा मन में भाव रखें। लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। अभय का भाव मजबूत हो रहा है, भय का भाव नष्ट हो रहा है, अभय का भाव मजबूत हो रहा है, भय का भाव नष्ट हो रहा है। अपने हृदय को अनुभव करें गुलाबी रंग से, अभय का भाव मजबूत हो रहा है, भय का भाव नष्ट हो रहा है। लंबी और गहरी सांस लेते जाएंगे। मन में मंत्र को जप करते जाएंगे। जैसे जैसे अभय का भाव मजबूत होता जाए, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल का अनुभव करें। मन में 3 बार दोहराएं, मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ। मुझे किसी भी वस्तु, इंसान, किसी भी प्राणी या किसी भी पद या वैभव से डर नहीं लगता। इस सृष्टि के सभी जीवों को हम अभय दान दें। अपने दोनों हाथों को ब्लेसिंग मुद्रा में लेके आ जाएं, अपनी चेस्ट के पास, और अनुभव करें पूरी पृथ्वी को, और अपने हाथों से हम ब्लेसिंग देते जाएं। जो अभय दान हमें मिला है उस सृष्टि के सभी जीवों को भी वो अभय दान मिले। स्लोली रिलैक्स, दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे रखें, अंदर ही अंदर आंखों को खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें, अपनी एनर्जी को पूरे शरीर पर फैलाएं। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए आप
थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बताया आपने, और मंत्र का अच्छा जाप भी करवा लिया आपने। कई बार हमने मंत्रों के विषय में बात की है, चर्चा की है, और जाप भी अलग अलग प्रकार के किए हुए हैं। अगर आपको याद हो तो मंत्र के बारे में एक बार डिटेल चर्चा हुई थी, जब सामायिक की बात की थी, तब सामायिक मंत्र बोलते हैं, तब मैंने बताया था। सबसे बड़े बात यह है कि जैसे माधुरी जी ने कहा, समझ कर करो, अर्थ समझ कर भी, और मंत्र करने से क्या होता है ये सब जाने। मंत्र का शाब्दिक अर्थ देखे तो मननात त्रायते इति मंत्र, मननात त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने से व्यक्ति को त्राण मिलता है वह मंत्र होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक किताब है मंत्र एक समाधान, वो जरूर आप लोग रखें। हर समस्या दी है और उसका समाधान मंत्र के रूप में दिया हुआ है। उसमें महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं, मंत्र उच्चारण से, मंत्र की ध्वनि के प्रकंपन से साधक के स्थूल शरीर पर परिणाम होता है, मुख्यतः मेरुदंड और मस्तकीय न्यूरॉन्स पर परिणाम होता है। वाइब्रेशंस होते हैं, वो पूरे रीढ़ की हड्डी पे भी होते हैं। जैसे जैसे ये कंपन बढ़ते, ये कंपन बढ़ने चाहिए, सूक्ष्म शरीर का प्रभाव होता है। मंत्र रोग मुक्ति, आदत के परिवर्तन, आंतरिक विकास, जीवन के द्वंद्वात्मक समस्याओं का समस्या है समाधान है। हमने जाना है, कई बार सुना है कि मंत्र के प्रभाव से बेड़िया टूटती है, ताले अपने आप खुल जाते हैं, वीडियो चालू असाध्य रोग करो मिट, हेल्प। असाध्य रोग मिट जाते हैं। तो इस प्रकार ये मंत्र बहुत प्रभावी होते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और लोगों से की साधना में मैंने ये भी बताया कि मस्तिष्क में भी एक घंटा होती है, जैसे मंदिर में एक घंटा होती है और उसमें एक कंपन आते, मस्तिष्क में भी एक घंटा होती है। जैसे मंत्र का जाप शुरू हो जाएगा, वो वाइब्रेशन शुरू हो जाते। इसमें भक्ति जितनी, जितनी श्रद्धा आदि, जितनी अधिक रटन करते जाएंगे, उतनी वो तेजी से, स्पीड से बढ़नी शुरू हो जाएगी। वैसे वाइब्रेशन बढ़ेंगे और पूरा मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को वो एक्टिव करेंगे। तो इसमें ये भी है कि जैसे मुख में हम अन्न लेते हैं तब एक स्लाइवा तैयार होती है, वैसे ही जाप करने से भी एक विशेष प्रकार के रसायन तैयार होते हैं, और जो रसायन एक्चुअली अक्षरशः पेन किलर का काम करते हैं। ये साइंटिफिकली भी अभी प्रूव हो चुका है, इसके मेरे पास फोटोज वगैरह भी सब है कि किस तरह ये तैयार होता है। तो इस तरह ये बहुत सारी बातों को हमें समझाता है। अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव दोनों शब्दों का होता है, शब्द की योजना कैसी है, कितनी अच्छी है, उस पर सब कुछ होता है। पर कहते हैं कि कोई ऐसा शब्द नहीं कि जो मंत्र नहीं, कोई ऐसा शब्द नहीं कि जो मंत्र नहीं है, ऐसा कोई मूल नहीं है कि जो औषधि नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि इसमें एक भी योग्यता नहीं है। प्रत्येक आदमी में कुछ ना कुछ होती है। तो सबसे प्रभावशाली हम जानते हैं कि मंत्र ओम होता है, हमारे में अरहम होता है, नमस्कार महामंत्र सबसे बेस्ट मंत्र होता है। गुरुदेव तुलसी कहते हैं, मन ऊर्ध्वगामी वृत्तियों के वो ले जाने की शक्ति है वो मंत्र में, जीवन निर्माण के माध्यम से छोटा परंतु सशक्त माध्यम है मंत्र। मंत्र न कोई जादू है, न कोई चमत्कार है, न अंधविश्वास है, ये पूरा विज्ञान है। भीतर की शक्ति का विकास करना, पवित्र अघोम साधना करके शांति का संचार करना, ऐसा बहुत कुछ मंत्रों से हो सकता है। तो आइए भाई बहनों, आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो चर्चा कीजिए, माधुरी जी से प्रश्न पूछ सकते हो, या मंत्र के बारे में आप और कुछ जानते हो तो आपके विचार भी आप रख सकते हैं। तो अभी जो हाथ ऊपर करेगा उनके लिए ऑप्शन दिया जाएगा, और अपने भाव प्रकट करें या तो फीडबैक के रूप में बताइए आपको कैसा लगा, कैसा आज का मंत्र जाप का रहा, आप
जाप करते हो, कौन सा करते हो, कैसे करते हो? जाप पर ज्यादा से ज्यादा समय देना बहुत जरूरी है। अशोक जी बात करना चाहते हैं, तो मैं पहले अशोक जी को अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, तो आप बात बात कीजिए अशोक जी। जय जिनेन्द्र। अभी सूरत में त्रिशला कुमार जी के सानिध्य में 65 छंद का यंत्र वो सिद्ध करवा रहे हैं, तो जैसे सामूहिक में करते हैं तो उसका अलग बेनिफिट रहता है या पर्सनल करते हैं तो सही नहीं, रहता है? बिल्कुल सामूहिक का क्या होता है कि पूरा वातावरण में वाइब्रेशन, एक मेरे वाइब्रेशन निकले मेरे रूम में हो गए, परंतु सामूहिक में जब करते हैं तो वो वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुछ चीजें होती है वो सामूहिक में करनी चाहिए, क्योंकि शुरू में लोगों का मन नहीं लगता है, ये नहीं होता है, परंतु जब सदने लगेगा और अपने उपयोग के लिए करने हैं तो हमको अपने को पर्सनली व्यक्तिगत एकाग्र होकर करना चाहिए। और 65 यंत्र पर हमने भी एक क्लास ऑनलाइन भी अपने एमपीके में ली हुई है, वो इतनी डिटेल्स नहीं ली थी पर लोगों के साथ में उसको बताया था। जी हाँ, सुप्रिया जी आप बात करना चाहती है। यस सुप्रिया जी, जय जीरेन्द्र सबको। मैं भी दिन भर में बहुत सारी जप करती हूँ, नमो करके भी तो होती है मालाएं मेरे। मैंने फिक्स रखी है रोज इतनी माला करूंगी नमो करके, बाकी के भी जप करती हूँ। मन को बहुत शांति मिलती है जप करने से और मन एकाग्र होता है इससे, मुझे इसका बहुत अच्छा अनुभव आया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वही है कि मंत्र जाप का मेन उद्देश्य वही है, मन की शांति, आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता, बहुत कुछ फायदे हमें हो जाते हैं। और महामंत्र के तो बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। तो जप करने की व्यवस्थित विधि समझ लेना है, और बिल्कुल साधना कैसी करे, कहाँ करे, कितना समय करे, कौन से समय करे, ये सब विषयों पर आप चिंतन करिए, नॉलेज लीजिए, और परफेक्ट करोगे तो आपको और फायदा होगा। जैसे नौकार मंत्र है ही, नौकार मंत्र श्वास के साथ करो, नौकार मंत्र रंगों के साथ करो, नौकार मंत्र स्थान के साथ करो, जैसे अरिहं तानम बस श्वेत रंग है, नमो सिद्धानम यहाँ अरुण रंग है, नमो आयरियानम येलो रंग है, नमो उवज छायानम हरा रंग है, और नमो लोए सब बताऊनम। तो इस प्रकार अलग अलग अपनी पसंद, जैसे माधुरी जी ने बनाया बताया, अपने को अच्छा लगे, जिससे अपने को फायदा मिले, वैसे करना है। बहुत धन्यवाद सुप्रिया। और कोई बात करना चाहता है तो बात कर सकते हैं। यस अर्चना जी, अर्चना जी कुछ बोलना चाहती है, अर्चना सोनू ने। यस यस अर्चना आप बात कर सकते हैं, आप अनम्यूट हो गए। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। माधुरी जी ने बहुत ही अच्छा समझाया ओंकार की जप से, और या कौन सा ही जप, ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, कौन सा ही जप करने से बहुत लाभ होते हैं। और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया, मैं भी करती हूँ ओंकार का जप, बहुत अच्छा लगता है। अर्चना जी हाँ, आप कहाँ से हो? पुना से, पुना पुना। से। बहुत अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत रेगुलर हाँ जुड़ते हो और जो प्रे हाँ बताते करते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़े ऐसे रिसर्च में भी आया है, गायत्री ओम भूर भुव स्वाहा, कहते हैं इसके मंत्र, जो वाइब्रेशन के गायत्री। रिजल्ट बहुत पावरफुल है, जैसे नौकार मंत्र के है वैसे सबसे पावरफुल मंत्र माना जाता है गायत्री मंत्र। और वैसे तो मंत्र मंत्र है, बहुत सारे मंत्र है, मैंने भी बहुत सारे मंत्रों को सीखा हुआ है, और हिंदू मंत्र भी मैंने सीखा है, क्योंकि मैं एक दो साल साइंटिफिक स्टडीज ऑफ वेदाज में काम करती थी, तो मैंने भी हिंदू के सारे मंत्र सीखे हुए हैं। तो हर एक के अपने मंत्र होते हैं, उसमें कोई नहीं कि हाँ ये ही मंत्र अच्छा है, ये बहुत पावरफुल है, पर कुछ वाइब्रेशंस होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, तो वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे अभी रिसेंट, यस एक बात बता रही थी, आप बोलती थी ना, गई थी ना स्वाध्याय पे, मैं स्वाध्याय भी करती हूँ, पांडुरंग शास्त्री आठवले का पांडुरंग स्वाध्याय। शास्त्र का बहुत सुंदर स्वाध्याय होता है, मैंने अमेरिका में अभी उसको ज्वाइन किया और देखा, बहुत ही सीखने जैसा है। राजू जी डांगे जुड़े हैं, तो राजू जी, राजू भाई हमारे जानते होंगे माधुरी जी, इनका एक संवाद करके एक इंटरनेशनल है, वो अपने साथ जुड़ते और काम करते हैं, तो अगर राजू भाई जुड़े और बात कर सकते तो वो जाप के ऊपर अपने, जुड़े हैं राजू भैया, उनको अनम्यूट कर। तो उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है।
तो राजू भाई अपनी बात रख सकते हैं। जय जिनेंद्र, जय जी, और सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हमारे अलका जी, श्रृंखला और माधुरी लुनिया जी, बहुत ही दोनों भी एक्सपर्ट है और बहुत सुंदर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। अलका जी के विचार के समय में नहीं था, लेकिन माधुरी जी का जब मंत्र उच्चारण के बारे में महत्व बात कर रही थी, बहुत ही सुंदर, वो योगा भी बहुत सुंदर लेती और बताने का तरीका भी उनका बहुत अच्छा है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, क्लैरिटी है बहुत, और कंसेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली वो व्यक्त भी क्लियर होता। और ये मंत्र जप जाए, ये पीयूष पर्व पे जो अपने को प्यूरिफाई करना है, खुद को प्यूरिफाई करना है और जितने भी विकार है वो बाहर निकालना है, तो हमें अंदर जो आपके मंत्र के उच्चारण से, मंत्र इज अ वॉइस मॉड्यूलेशन, वो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, एक अलग प्रकार का जो व्योज है, स्पंदन है, लहरी है, वो हमारे अंदर तैयार होती है। और उसके कारण, क्योंकि हर मंत्र का ट्यूनिंग अलग अलग होता है, उसका उच्चारण अलग अलग टाइप से करना है, तब उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। अगर एक ही जनगण मन हरि का सभी मंत्र पढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो प्रॉपर उसमें अगर होता है तो डेफिनेटली हमारे अंदर हर सेल तक उसका इम्पैक्ट होता है, हर हर सेल तक, क्योंकि अतदीपो भव, हर हमारे सेल में एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी गति हमेशा शुरू होती है, और इस पे, ये पूरे सेल पे इस मंत्र का, इस व्योज का, इस स्पंदन का इम्पैक्ट होता है। और इस विधाता को, इस ब्रह्मांड को एक ही शब्द मालूम है, तथास्तु, तथास्तु। हम जो उच्चारण करते हैं वो क्रिया होने लगती है, वो क्रिया होने लगती है, तो इसीलिए ये बहुत मंत्र, और उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है मेंटल पीस, दिस इज नॉट डेस्टिनी, एक्चुअली इसका बाय प्रोडक्ट है मंत्र का, कि तुम्हें मेंटल पीस भी मिलती, क्योंकि हमारा जो मन होता है वो हमेशा चंचल होता है, अनेक बाबी में भटका हुआ होता है, लेकिन मंत्र उच्चारण के समय वो एक जगह आता, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता और आपको मेंटल पीस भी मिलती, शांति भी मिलती, ये दोनों तीनों बेनिफिट्स डेफिनेटली शरीर के लिए और मन के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन उसके बावजूद वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना, मेंटल पीस बढ़ना, और आपको जो अंचित अभयदान, जो ऐसा आपने बोला कि अभयदान, जो भी आप उच्चारण करेंगे उस टाइप की परिस्थिति तैयार होंगी और वो आपके जीवन में होने लगेगा। बहुत ही सुंदर वे से आपने बताई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे आनंदमल सर तो हमेशा युवा, बिल्कुल बहुत क्या बोलेंगे, उनकी युवा की एनर्जी उनमें है, क्योंकि सुबह से लेके वो इस कार्य में व्यस्त होते हैं, उनसे ही हमारा, वो ही इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अस, जो आदमी बिल्कुल सेट पूरा है तो वो दिन भर ऊर्जावान रहता है, इसी टाइप से मंत्र का भी बहुत सारा, जैसा कि एक गाना अगर हम सुबह सुनते हैं तो क्या होता कि दिन भर गुनगुनाते, उसी प्रकार से अगर ये मंत्र का उच्चारण प्रॉपर सही समय सही वे से करते हैं तो दिन भर हमें बहुत सुंदर लगता है, और नॉट ओनली दिन भर, आपके जीवन का और जीव का भी उद्धार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। समय हमारा हो चुका है और लेट नहीं करेंगे, सबको प्रवचन में भी जाना होता है, तो मैं सुचिता को निवेदन करूंगी कि समापन कर दीजिए आप। थैंक यू, जय जिनेन्द्र सभी को, बहुत सुंदर माधुरी जी ने और अलका जी ने बताया, जैसे जो भैया ने बोला कि जो एनर्जी दिन सारे रहती है, वैसे ही सही में जब भी 6:30 बजे हम जुड़ते हैं, जो एनर्जी मिलती है दिन सारे रहती है, और जो विचार यहाँ पे बांटते हैं, जो ट्रेनर जो वक्त आते हैं सही रहते ना, दिन सारा उसी में रहते कि बुरे विचार नहीं आते, जो यहाँ पे शिक्षा मिलती, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद एमपीके क्लासेस को, कल्याणम केंद्र और राजू भैया के सुसंवाद के लिए। रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतिज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी है, कृतिज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी है।
ऋतुज्ञोष में हम सब सर के, अलका जी के, सबके आभारी है, जुड़े हुए सब भाई के आभारी है। अशोक भैया हमारा रोज का नारा, सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे, फिटनेस का डोज 1 घंटा एक रोज, घंटा डोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा एक रोज, घंटा, फिटनेस फिटनेस का का डोज एक एक घंटा घंटा रोज। ओ सभी महाराज को जय जिनेन्द्र, जुड़े हुए सभी को, माधुरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी जानकारी दी, अलका जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कथा के माध्यम से हमें ब्रेन में सही, जैसे मंत्र काम करते हैं वैसे कथा भी हमारे जीवन में काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धन्यवाद जुड़े हुए सभी भाई को। क्लास को यही विराम करते हैं, जय जिनेन्द्र।